हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त इंटरेस्टिंग वाला आपके लिए फिर से चेस की कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ गया हूँ। अगली वीडियो हमने बनाई थी बिशप्स ओपनिंग ट्रैप्स के ऊपर, जिसमें हमने आखिरी में आपको एक पजल्स दिया था और हमने कहा था कि अपनी अगली वीडियो में उसका जवाब देंगे। तो अब हम उसका सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो हमने उसमें कहा था कि उसमें वाइट टू मूव है और यह मेट हो रही है। तो इसमें अब देखा जाए तो मेट किस तरीके से है, तो बिशप टू एफ सिक्स, उसके बाद क्वीन टू एच एट से मेट है, लेकिन ब्लैक के पास इधर बिशप टू ई फाइव डिफेंड कर रहा है, जो ब्लैक की सारी रो डिफेंड कर रहा है, मेट होने से बचा रहा है, तो इसे हमें पहले लेना पड़ेगा। तो इधर वाइट जो है सारी सेक्रीफाइस लाइन खेलता है, जो यह स्टार्ट इधर से होती हैं और जो भी पजल्स होती हैं और अक्सर खेली गई होती हैं, तो यह भी पजल्स एक गेम ही है जिसे खेला गया है और उसका एक पार्ट है। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो इधर वाइट ने चला रुक टैक्स ई फाइव, आफ्टर रुक टैक्स ई फाइव, रुक टैक्स ई फाइव, सेक्रीफाइस ऑफ रुक हुआ। इधर अब वाइट चलते हैं बिशप टू एफ सिक्स, बिशप टू एफ सिक्स के बाद ब्लैक की मेट लगभग निश्चित हो गई है। तो इधर जो कंपलसरी मूव है, फोर्स मूव हम कह सकते हैं, वो है रुक टू एच फाइव, रुक को बीच में लाना पड़ेगा, नहीं तो क्वीन टू एच एट मेट है। तो आफ्टर इसके बाद हम देखते हैं कि वाइट के पास से काफ़ी अच्छी सेक्रीफाइस लाइन है, वो यह है कि क्वीन टैक्स एच फाइव, और अगर इधर ब्लैक ने हमारी क्वीन को नहीं मारा तो हम वापस से मेट कर सकते हैं। तो इधर आएगा पॉन टैक्स एच फाइव, आफ्टर पॉन टैक्स एच फाइव हमें करना है रुख टू जी थ्री। अब रुख टू जी थ्री के बाद दो लाइन आती हैं कि क्वीन को बीच में लाए या फिर किंग को मूव करा दें। तो पहले हम देखते हैं किंग को मूव कराने के लिए, तो पहले किंग को मूव कराते हैं, तो किंग कहाँ जा सकता है इधर, तो एक ही वे है किंग टू एच सेवन, आफ्टर किंग टू एच सेवन वापस आता है बिशप टू डी थ्री चेक, बिशप टू डी थ्री के बाद वापस एक रास्ता बचता है, वो है किंग टू एच सिक्स, और अब देखते हैं इधर बिशप टू एच सेवन मेट है। तो जो अगली मूव है, जो अगली लाइन थी वो यह है कि रुक टू जी थ्री चेक के बाद क्वींस टू जी फोर चला जाए, क्वींस टू जी फोर के बाद हमें कुछ नहीं सिर्फ इजली पॉन को मारना है अपनी पॉन से, पॉन टैक्स एच टैक्स जी फोर, अगर इधर एच टैक्स डी जी फोर के बाद वापस से अगर एच टैक्स जी फोर नहीं हुआ, अगर मान लीजिए एच टैक्स जी फोर हो गया तो हम वापस रुक से पॉन को काट के वापस मेट कर सकते हैं। और अगर वैसे भी आप देख रहे हैं कि वाइट जो है पीस प्लस हो गया इधर, अगर इसने इधर नहीं काटा और सोचा कि हमें एक मूव चलने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि रुक टू ई एट चल दिया, तो इधर वह गलती कर देगा, क्योंकि इसके बाद आएगा जी टैक्स एच फाइव और चेक लगेगा, जिससे कि अब आप देख सकते हैं कि ये जो एच फाइव वाला पॉन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉन है, और ये एकदम ईजिली प्रमोट हो सकता है, क्योंकि इधर दो भी सब डिफेंड कर रहे हैं कॉर्नर को, और इधर रुक भी है, मेट भी हो सकता है। तो अगर इधर देखा जाए तो आफ्टर किंग टू एफ एट और ये बिशप टू जी सेवन चेक के बाद आप पॉन पुश होने लगे और इजली क्वीन आ जाएगी और वाइट इजली जीत जाएगा, और ब्लैक के पास कोई खास मूव है नहीं। तो इधर अब हम देखते हैं कि यह काफ़ी अच्छी मूव थी, काफ़ी अच्छा पजल था। तो इस वीडियो में भी हम आपको दो पजल्स देंगे, काफ़ी अच्छी पजल्स देंगे, और उसके जवाब हम अगले वीडियो में दिया करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि ये हमारा फर्स्ट पजल्स है, इसमें वाइट टू मूव है, इसमें पीस गेन भी है और एक मेट भी है। तो आप हमें कमेंट करके आंसर बताइएगा। ये हमारा सेकंड पजल है, इसमें वाइट टू मूव है और इसमें सिर्फ पीस गेन है। तो चलिए गुड बाय, हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे पजल्स के।